हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेज इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक और अमेजिंग वीडियो के साथ टुमॉर्स वीडियो में आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ पर लेकर आया हूँ। बट इस वीडियो में ये चीज़ पार्टिकुलरली क्लास 9th के बच्चों के लिए है, और अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके लिए अगली वीडियो आने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि CBSE ने जो है वो अप्रैल में ही अपने सिलेबस को रिलीज़ कर दिया था। उसके साथ साथ CBSE ने जो सिलेबस रिलीज़ किया होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे स्कूल्स में भी हमें सिलेबस दिए जाते हैं, और डिज़ाइंड सिलेबस दिए जाते हैं जिसके प्रोसेस के थ्रू हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, किस किस मंथ में, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो क्योंकि स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं तो इस तरीके का सिलेबस आपको नहीं मिला होगा, तो मैंने ही वो एक सिलेबस डिज़ाइन किया है आपके लिए, ताकि आपके लिए जो प्लानिंग हो वो काफ़ी आसान हो। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपको एक वीकली प्लानिंग भी दे दूंगा। ये मंथली प्लानिंग जैसे कि आपके स्कूल्स में सिलेबस दिए जाते हैं उस तरीके का है, और सिलेबस मैंने सितंबर तक के लिए ही बनाया है क्योंकि सिलेबस में कुछ रिडक्शंस भी होंगे आगे चल के, तो मैंने पूरे ईयर के सिलेबस को नहीं बनाया है। तो इस बात को दिमाग में रख के चलेंगे, अगर आप इस तरीके से सिलेबस को करते चलेंगे तो आपके स्कूल जब ओपन होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैंने साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज़ के सिलेबस को तैयार किया है क्योंकि वो सारी चीज़ें सभी के लिए कॉमन होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले साइंस मैं सभी चीज़ों को डिक्टेट करूँगा, नरेट करूँगा, और यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको वो पेपर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड भी कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, अप्रैल में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कुछ सिलेबस तैयार कर रखा है, जिसमें मैंने मोशन, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बता रखा है, और मई में भी मैंने उस सिलेबस इसी तरीके से तैयार किया है। जून में आपके समर वकेशंस होते हैं, तो मोस्टली मुझे उम्मीद होगी आप में से बहुत लोगों ने अप्रैल में पढ़ाई नहीं की होगी। जिन्होंने की है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिन्होंने नहीं की है उनके लिए जून का जो समर वेकेशन का पोर्शन मैंने दे रखा है वो काफ़ी होगा। तो आप मई और जून का सिलेबस मिलाकर अप्रैल और मई का जो सिलेबस मैंने तैयार कर रखा है उसे मई और जून में कंप्लीट कर पाओगे, और अपने समर वेकेशन को यहाँ पर छोड़ दोगे क्योंकि समर वेकेशन तो आप पहले ही मना चुके हो। इसके बाद जुलाई में मैंने कुछ सिलेबस को किया है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें किसी मंथ में पूरा फुल कंप्लीट नहीं किया गया, थोड़ा बहुत उसका पोर्शन अगर बच जाएगा तो मैंने कंटिन्यूएशन में उसे डाल दिया है, CONTD से मैंने उसे डिनोट किया है, तो वो कंटिन्यूड वहाँ पर उस नोट उसका नोटेशन होगा। तो ये हो गया आपका साइंस का सिलेबस। इसी के तरीके का मैंने मैथ्स का भी सिलेबस तैयार कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें भी मैंने दो दो चैप्टर्स अप्रैल और मई में दो दो मिलाकर चार चैप्टर्स टोटल आपके लिए दे रखे हैं। उसके बाद समर वेकेशंस है, इसमें भी आप वैसे ही करोगे कि अगर आपने अप्रैल में कुछ नहीं कर रखा है तो मई और जून को में मिलाकर आप अप्रैल और मई का सिलेबस कम्प्लीट कर लोगे। इसीलिए मैंने जून में पूरा वैकेशन भी दिया है कि जिन लोगों ने अप्रैल में सही से पढ़ाई नहीं की है वो इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, जिन्होंने कर रखी है पहले से वो अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ सकते हैं। और जुलाई में भी मैंने दो चैप्टर्स दे रखे हैं, आप देख रहे हो, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एंड लाइंस एंड एंगल्स। उसके बाद मैंने अगस्त में एक चैप्टर दे रखा है ट्राइंगल्स, और जो ये रिविज़न प्लस एग्ज़ाम लिखा है ना, तो इसके लिए मैं आपको एग्ज़ाम का पेपर भी सेट करके दूंगा और आप के लिए वो हेल्पफुल होगा। जैसे एक प्री मिड टर्म एग्जामिनेशन हमारी होती है तो वो भी पेपर मैं आपको सेट करके दूंगा और इस चैनल पर अवेलेबल होंगी। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड कर रखी हैं। तो और इसी के जैसा बिल्कुल सोशल साइंस का भी सिलेबस है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मैंने डिज़ाइन किया है इसे ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपके लिए जो मैंने मेहनत की है अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।